आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सफ़ायर की स्टिच कलेक्शन, जो कि बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़े की है, बहुत अमेजिंग प्राइस में। तो ब्लॉग को जो है एंड तक देखिएगा। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मैं आपको रास्ते में बताती हूँ। और जो कराची का सबसे फेमस मॉल है ना, वो मैं आप लोगों को आज जो है वो दिखाऊंगी, और वहाँ की शॉपिंग भी दिखाऊंगी। वो महंगा तरीन भी है और नॉर्मल तरीन भी है, तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। अच्छा, संडे था तो मैंने ना कपड़े निकल धोए थे, परसों भी नहीं धोए थे, लेकिन बारिशें हो रही थी बिकॉज़। और आज मैंने बहुत काम किए, 10 बजे सब सो के उठे, फिर मैंने जो है वो कपड़े धोए, और फिर मैंने सोचा कि बारिश पीछे से ना आ जाए, उनको ड्राई करके जो है ना फिर जाऊँ। उसके बीच में मैंने जो है ना दोपहर में बिरयानी भी बनाई, और यूँ जाते जाते ना हमें शाम के 5 बज गए, और अभी हम शाम के 5 बजे जा रहे हैं। और गर्मी अभी भी अच्छी खासी है, मतलब बारिशों का कोई ना असर ही नहीं हुआ है। तो अभी हम जो है ना वो निकल रहे हैं, और ये शाम के 5 बज रहे हैं। और ये था कि कपड़े जो है ना वो ड्राई करके अंदर रख के फिर आए हैं, और अभी जो है ना वो ये रास्ते में अबीहा सदन अबीहा की मस्तियाँ चल रही हैं। और ये अभी हम लोग अपनी सोसाइटी हैं, और ये हमारी सोसाइटी से बाहर समझे एक गांव है, और ये अब हम लोग जो है ना वो शारे फैसल पर हैं। अच्छा, रास्ते में बारिश हुई हुई थी जगह जगह, और पानी जो था ना वो अच्छा खासा खड़ा हुआ था। तो मैं तो इत्मीनान से थी कि मैंने कपड़े धो के ड्राई करके अंदर रख दिए, अब खैर है। मुझे यही होता है कि पहली बात मेरे कपड़े धुल जाएँ, दूसरी बात खुश्क हो जाएँ, अगर ये वाला मौसम हो मानसून का तो। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि बारिशें इतनी हुई हैं, और फिर बच्चे दिन में चार चार बदल रहे थे। अच्छा, ये पहुंच गए जी हम लकी वन, कराची का सबसे फेमस बड़ा और मज़ेदार किस्म का मॉल है। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं, और जो है ना वो लगता है यहाँ पे बाहर ही लिखा हुआ है कि आइडियाज़ पे 70% ऑफ है। और अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बड़ा सा मॉल है, और किस किसने लकी मॉल देखा है ये ज़रा जो है ना वो दिखाइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दिखाइएगा नहीं बताइएगा। ये हम पहुंच गए हैं, और ये जो है ना रुस्तम जो है वो नीचे पार्किंग में गाड़ी जो है वो पार्क करने गए हैं, और हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। और ये बच्चे जो है ना, अच्छा यहाँ पे बच्चों के फ़न के लिए भी बहुत कुछ है। और ये अभी बाहर का ही एरिया है, और बीहा जो है वो अपने इंस्टा की रील बनाने में मसरूफ़ है, और इनके पापा जो है ना वो गाड़ी को पार्क करने गए हैं। और ये देखिए, बाहर से बहुत ही मज़े का एरिया है, और अंदर से जो है ना वो उससे भी ज़्यादा मज़े का एरिया। अंदर चल के मैं आपको सबसे पहले जो है ना सफ़ायर के बहुत मज़े के स्टिच अनस्टिच सब ड्रेस दिखाऊंगी। तो ये इनके पापा तशरीफ़ ले आए हैं, और अभी हम चलते हैं लकी वन मॉल के अंदर। तो ये आ गए हम लोग अंदर, और ये अंदर जो है ना वो एक अलग ही दुनिया इसकी आबाद है, बहुत बड़ा है भाई। बंदा जो है ना इसमें जाके लगता है गुम ही हो जाएगा जो पहली बार जाएगा। तो अभी हम लोग अंदर गए हैं, और ये जो है ना यहाँ पे बहुत सारे के सारे ब्रांड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये मज़े के खुसे थे, और ये खुसे 5-5, 6-6 हज़ार के थे, मज़े के थे, ऊपर कोरे दबके का काम हुआ हुआ था, और जो है सेल भी बहुत सारी चीज़ों पे लगी हुई थी। तो सफ़ायर की शॉप पे जो है ना, शॉप नहीं थी, सफ़ायर का भी अच्छा खासा अपना उनका एक जो है ना वो आउटलेट था। तो ये देखें, ये नीचे जो है ना बहुत मज़े का था, ये बेसमेंट भी बना हुआ है, और ये मतलब ना ऊपर मतलब बहुत बड़ा है। ये देखें नीचे लोग इस तरह से बैठे हैं, और जहाँ तक देखो ना इसको भी बंदा मेरा ख्याल है एक दिन में या 2-4 दिन में भी पूरा नहीं देख सकता है। लकी वन मॉल जो है ना वो इतना बड़ा, हम लोगों ने भी इसके जो है ना वो 2 फ्लोर मुश्किल से ही जो है वो घूमे। और रास्ते में ना ये देखिए, सफ़ायर के आउटलेट पे जाते जाते बहुत सारे जो है ना वो रास्ते में इसके आउटलेट थे, और सारे के सारे जैसे कि मैंने बताया थे आउटलेट यहाँ पे। और ये वाला देखें, यहाँ पे ना ये डायमंड की शॉप थी, और ये देखें कैसे चमक रहा है उसका ब्रेसलेट। सो यहाँ पे अच्छी खासी सेल्स भी लगी हुई थी आइडियाज़ पे, आइडियाज़ पे तो 50% ऑफ लगी हुई थी। और यहाँ से फिर ये पहले हम लोग नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे थे, और फिर हम लोग जो है वो ऊपर गए। तो मैं पहुँच गई हूँ सफ़ायर के आउटलेट पे, और ये देखें, और सफ़ायर के ना बहुत मज़े के स्टिच अनस्टिच थे, और इनके प्राइस जो थे ना भी ठीक थे, मतलब
कोई जो थोड़े से ज़्यादा फैंसी थे या फेस्टिव कलेक्शन थी वो तो अच्छे खासे 20-20 हज़ार के भी थे खैर, लेकिन अगर बंदा इन्हें लेना चाहे ना तो नॉर्मल अफोर्डेबल प्राइस के भी जो है ना वो थे। मुझे ये जो है ना लाइलेक कलर ये वाला, इसके कलियों वाली शर्ट देखें आप, ये देखें इसका जो है ना चौक बंद फ्रॉक टाइप था ये, और इसी का दूसरा कलर था ये, और ये मुझे मस्टर्ड कलर हमेशा अट्रैक्ट करता है। अच्छा मैंने ना इतने सारे ये शॉपिंग थी कि आपको दो तीन पार्ट्स में करके बताऊंगी और लास्ट वाले पार्ट्स में बताऊंगी कि मैंने क्या लिया। तो ये वाला पर्पल कलर भी ऑलवेज माई फेवरेट, तो ये वाला ब्लैक देखें। अच्छा इसके ना जस्ट स्लीव्स पे ही थी और इतनी कोई मज़े की कढ़ाई थी, जस्ट स्लीव्स पे और हल्की सी नेक थी, और इसके जो स्टिच थे ना और एम्ब्रॉयडर्ड सब ही मज़े के थे। ये रस्ट सा कलर था, फुल एम्ब्रॉयडर्ड था, और इसके लाइट कलर भी बहुत अच्छे थे, और ये 6-7 हज़ार का भी बहुत अच्छे से इसके में थे, और ये गाजरी कलर था इसकी जो है ना, ये वाला भी मेरा फेवरेट कलर। और ये रेड रेड वैसे मेरा फेवरेट कलर नहीं है इसका, लेकिन इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी ना वो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, और ये वाला कलर भी मेरा फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है। ये भी मीडियम साइज़ था, मेरे साइज़ में था, और लाइट कलर तो मुझे सारे वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं, और ये सबसे मज़े का ऑफ वाइट, और इसके ऊपर ना जो होता है ना नार वाला रेड वो वाली एम्ब्रॉयडरी थी, और ये कुछ ज़्यादा ही फुली एम्ब्रॉयडर्ड था। इसके प्राइस थे 9,999, और ये अबीहा को ना हमेशा सिंपल चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, और ये वाला वही रेड, इसकी एम्ब्रॉयडरी और नेक मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा यहाँ पे सफायर से हम लोग निकले, और सफायर से निकलने के बाद जो है ना दो तीन और आउटलेट पे भी गए। यहाँ पे करीब करीब इतने मज़े के थे कि सब ज़बरदस्त थे। अच्छा ये वाला जो है ना ये कोई आई थिंक जो है ना वो नॉर्मल सा ब्रांड था, और इसका जो जो थे ना प्राइस वो भी बहुत अच्छे थे। ये देखें इनके प्राइस, मैंने आगे अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो वाले प्राइस, इन उनको ना मैं आप लोगों के साथ ना प्राइस के साथ मेंशन करूँगी। बहुत ही नॉर्मल प्राइस थे, बहुत उसकी एम्ब्रॉयडरी देखें बहुत नफीस, और जो है ना वो जो होती है ना मज़े की एम्ब्रॉयडरी वो वाली थी। अच्छा यहाँ पे बच्चों ने जो है ना वो खूब फन किया, और बच्चे भी जो है ना बच्चों के लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ बनाया हुआ है, और ये वाला मैंने सफ़ायर के आउटलेट जो है सफ़ायर का आप लोगों के साथ शेयर किया, और जो अगला वाला मैं शेयर करूँगी ना वो जेलबरी का करूँगी, और जेलबरी के प्राइस देख के ना आप लोग हैरान रह जाएंगे, इतना मज़े का फैब्रिक और उसके जो प्राइस है ना वो सोच है आपकी। तो ये वाले बैग्स भी यहाँ पे पड़े हुए थे और बहुत नॉर्मल प्राइस के थे, ये 2,500 तक का बैग था ये वाला, और इसके साथ जूते भी मैचिंग के थे। तो अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं जेलबरी की कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, और ये बैग्स आप देखें ये सारे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के थे। तो ये मेरे व्लॉग का एक हिस्सा था, अगले पार्ट में मैं आप लोगों के साथ जेलबरी की कलेक्शन बहुत ही हैरान कर देने वाले कम प्राइस में है वो आप लाजमी उस व्लॉग को भी देखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।